दोस्तों आयुर्वेद की कशिश कुछ ऐसी है कि ना चाहते हुए भी वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट आकर्षित कर ही लेता है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्बल टी के बारे में जिसे आप अपने घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इस हर्बल टी को अगर आप इन पूरी सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो आप इन सर्दियों में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से खुद को, अपने घर वालों को, अपने परिवार के बच्चों को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। तो इस हर्बल टी को कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत सारा रिसर्च करती है, बहुत सारी मेहनत करती है जिससे आपके लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट किया जा सके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, टी या एक चाय हम बहुत आसानी से अपने घर में रोज़ाना 2-3 बार कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी कि ये चाय हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं हमें अपना एडिक्टिव बना चुकी है। और इसी वजह से हम सर्दियों के अंदर भी चाय की खपत को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और बहुत बार अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों को ना चाहते हुए भी इन्वाइट कर लेते हैं। हर्बल टी और जो आयुर्वेदिक तरीके से बनाई जाएगी, ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपको चाय को पूरी तरह से रिप्लेस करने में आपकी मदद करता है। तो अगर आपको कभी भी आगे चल करके इन सर्दियों में या आने वाले सालों की सर्दियों में चाय की तलब होती है तो डेफिनेटली इस हर्बल टी को ज़रूर अपनाएं और फिर हमें बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। इस हर्बल टी को कोई भी ले सकता है, बच्चा, बुज़ुर्ग, जवान, महिला, पुरुष, कोई भी ले सकता है। और इसी की ये खूबसूरती है कि ये हर्बल टी आपके शरीर की जो थकान है उसको मिटाने के साथ साथ आपके शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगी, आपके शरीर के अंदर जो रुका हुआ वजन है जिसको कम करने के लिए आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं उसे भी कम करने में आपकी मदद करेगी। और सबसे बड़ी बात, ये आपके शरीर के अंदर एनर्जी, स्फूर्ति का संचार करती है जिसकी वजह से आप अपने आप को और भी ज़्यादा एनर्जेटिक और भी ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। इस चाय को बनाने के लिए हमें 5 जड़ी बूटियों की ज़रूरत होगी और 5 जड़ी बूटियां हम यहाँ पर बराबर मात्रा में लेने वाले हैं। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ को 50 ग्राम डाल रहे हैं तो बाकी चीज़ों को भी आपको 50-50 ग्राम डाल के ही इसको बना करके रखना है। तो पहली जो चीज़ आती है दोस्तों इस हर्बल टी को बनाने के लिए, वो आती है सौंठ। सौंठ मतलब सूखी अदरक। जो सौंठ होती है वो कफ प्रवृत्ति को ख़त्म करने में हमारी मदद करती है। तो जो सर्दियों के अंदर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्दी, जुखाम, जकड़न की गिरफ्त में पाते हैं, उन सब से हमें छुटकारा दिलाने के लिए जो सौंठ है वो बहुत अच्छा काम करती है। ये जो सौंठ है ये आपके शरीर के अंदर जाकर के आपके ब्लड के अंदर किसी भी तरह की अगर क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नॉर्मल होता है। और जब ये नॉर्मल हो जाता है तो आपको मदद मिलती है आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट हमें इस चाय को बनाने के लिए लेना है वो है अर्जुन छाल। अर्जुन छाल जो है वो एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है, मतलब कि आपके रक्त का ये शोधन करता है, आपके खून की ये सफाई करता है। और अर्जुन छाल जो है उसका एक और काम होता है, आपके ब्रेन के अंदर जा करके आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, आपकी जो एकाग्रता है उसको बढ़ाना। तो अगर आप अर्जुन छाल का इस्तेमाल इस हर्बल टी को बनाने के लिए करते हैं तो ये आपकी मेमोरी को बहुत बेहतर बनाता है, आपकी खूबसूरती को एनहांस करेगा और साथ के साथ में आपके शरीर की जो एनर्जी है उसको भी ये बूस्ट करता है। नंबर 3 जो चीज़ आती है दोस्तों वो आती है तेजपत्र। तेजपत्ता जो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, जो हम गरम मसाला बनाने के लिए अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं या बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये गरम मसाले का तेज पत्ता हमें यहाँ पर उतना ही लेना है जितना हमने यहाँ पर हमारा अर्जुन की छाल ली है या सौंठ ली है। सो उतने को मिला करके पाउडर बना के यहाँ पे मिलाएंगे। तेज पत्र जो होता है ये हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। और ये देखा गया है कि सर्दियों के दिनों में क्योंकि बहुत सारे व्यंजन हमारे घरों में बनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उनका कंजप्शन कर लेते हैं और इसी कंजप्शन की वजह से हमारा वेट बढ़ने लगता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो वीक पड़ने लगता है और हम थोड़ा थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं। सो यहाँ पर ये आपको मदद करता है आपकी इन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाने के लिए। नंबर जो 4 जो आती है यहाँ पर दोस्तों वो आती है सौंफ।
सौंफ जो है वो एक बहुत अच्छा ब्यूटी हार्मोन को इनहांस करने वाला एक हर्ब है या इंग्रेडिएंट है जो हमारी किचन में हमें मिल जाता है। तो सौंफ को हम डेफिनेटली यहाँ पे दरदरा करके पीस करके डालेंगे, साबुत नहीं डालेंगे, और उतना ही लेंगे जितना हमने पहले के 3 इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर लिया है। सौंफ के अंदर एक और खूबसूरती होती है कि ये आपके शरीर को पित्त प्रवृत्ति अगर है, मतलब आपके शरीर में अगर हीट रहती है, तो उसको भी बैलेंस करने में आपकी ये मदद करता है और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके शरीर के पूरा जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय जो प्रक्रिया है, उसे बेहतर बनाने के लिए। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों, वो आता है आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा यूं तो मेल्स के लिए अच्छा कहा जाता है, लेकिन अगर आप इन्हें बाकी जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई उनके साथ अगर आप मिला करके लेते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसको ये एनर्जाइज ना करे, जिसको ये रिवाइटलाइज ना करे। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके शरीर में जा करके आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, आपके शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, आपके शरीर में जमा फैट को बाहर निकालेगा, और आपका शरीर बहुत ही जल्दी ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेगा। तो इन 5ों चीजों को आपको बराबर मात्रा में मिलाना है, मतलब अगर आप 50-50 ग्राम मिला रहे हैं तो 5ों को 50-50 ग्राम मिला लेंगे या 100-100 ग्राम मिला लेंगे। तो दैट इज अप टू यू कि आप कितने दिनों के लिए इसे बना करके रखना चाहते हैं। इसी मिलाने के बाद इसे आप अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और पाउडर बना लीजिए 5ों चीजों का। अब आपका ये जो हर्बल टी है ये एकदम से तैयार है, और इस टी को जिस तरह से आप नॉर्मल टी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती की जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दूध, पानी, शक्कर वैसे ही डालना है जैसे आप डालते हैं, लेकिन चाय पत्ती की जगह पर आप इसको डालेंगे और अच्छे से उबालेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बेहतर होगा अगर आप इसमें शक्कर या चीनी की जगह पर अगर आप इसमें शहद डालें। तो दूध और पानी के साथ आप इसको पाउडर को उबाल लीजिए, छान लीजिए, और छानने के बाद में आप इसमें 1 चम्मच ऑर्गेनिक शहद मिला लीजिए, और आप देखें कि आपको कितने बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पूरी सर्दी का कंजप्शन कीजिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो आज मैंने आपके लिए क्रिएट किया ये आपको बहुत पसंद आया होगा और आने वाले दिनों में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपका प्यार आपने हमें बहुत सारा दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप अपने प्यार को इसी तरह से हमारे ऊपर बरकरार रखेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।